दुर्गेश में सामान्य हिंदी की स्मार्टफोन प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, हिंदी की परीक्षा वाली प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग फ्रेंड जितने भी साथियों के पास नोटिफिकेशन गया है सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद बस इतना का सा कार्य आपको करना है कि वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करना है। जिस भाई बंधु को आप समझते हैं अपना खास समझते हैं उन सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाला है, तो उन सभी साथियों तक शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है जंगम का विलोम क्या है। जी हाँ, जंगम शब्द का विलोम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार सीधे तौर से परीक्षा में पूछ लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जितने भी साथी हैं लाइव जुड़े हुए हैं क्लास से सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए सभी साथी बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। विकल्प नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, चलिए कुछ लोग एक कमेंट कर रहे हैं। देखिए जंगम का जो विलोम है फ्रेंड वह अस्थावर होता है। जी हाँ, जंगम का विलोम अस्थावर होता है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, जंगम का विलोम अस्थावर होता है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मुख्य अतिथि के सम्मान में। जी हाँ, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। देखिए कह रहे हैं कि मुख्य अतिथि के सम्मान में, ठीक है, तो के मतलब कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए, ये कर्ता ने करण को, कर्ता ने करण को संप्रदान के लिए अधिकरण, अधिकरण के में पर। जी हाँ, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, अधिकरण कारक यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। जी हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में पर, सॉरी अधिकरण में पर संप्रदान को के लिए के द्वारा संबोधन हे हो अरे संबंध काके की रारेरी। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सम्मान में आपका जो में है आपका अधिकरण कारक होगा, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिएगा, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साथियों के जवाब आने प्रारंभ हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उलाहना। उत्कंठा शब्द का पर्यायवाची आपको पूछा जा रहा है, आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे। उत्कंठा का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर आ रहे हैं साथियों के, लालसा कमेंट कर रहे हैं, बी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी कमेंट कर रहे हैं, तो ए वाले साथियों के जवाब सही है भैया। उत्कंठा का जो पर्यायवाची होता है लालसा होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित की गई है। तो कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज ये क्वेश्चन हमारे सामने सीधे तौर से पूछ लिया गया है, इसका जवाब आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। जी हाँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं सभी को, एक बार जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना प्रारंभ करिएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा प्रश्न का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 343 क से लेकर 351 क तक हिंदी को शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और छाप दीजिए अगर ये अपने आंसर। आगे थोड़ा नपातुला भोजन, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, मितव्ययी, मितव्ययी, मिताहारी या मितहारिन। करें नपातुला भोजन करने वाला, भोजन का संबंध किससे होता है फ्रेंड, आहार से होता है। आप सभी को पता है कि भोजन का संबंध आहार से होता है, तो आहार मित मतलब होता है कम, तो इसका जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आप सभी कमेंट कर रहे हैं, मिताहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित का मतलब होता है अल्प और हारी का मतलब होता है भोजन करने वाला, तो मिताहारी मतलब होता है अल्पहारी, इसका मतलब कहते हैं कि कम मात्रा में भोजन करने वाला। जी हाँ बिल्कुल, गोदान बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आई होप लगभग लगभग मेरे सभी साथियों के जवाब इस क्वेश्चन के लिए तो 100% सही होने वाले हैं कि गोदान को किसने लिखा है।
कालिदास, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेव वर्मा या किशन लाल शर्मा। आई होप मेरे जितने भी साथी लाइव इसमें जुड़े हुए हैं सभी के जवाब इस क्वेश्चन के लिए 100% सही होने वाले हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इस बार हिंदी को परीक्षा में धुआं धुआं करना है। इसी उद्देश्य से यह क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश से आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार परीक्षा में हिंदी को करना है धुआं धुआं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी लोग जुड़िए और वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, गोदान को लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र। जी हाँ, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान। उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है उपन्यास सम्राट। जी हाँ, उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा इनको देते हैं। एक क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद से अक्सर पूछा जाता है, आप सभी लोग उसके आंसर कमेंट करके बताइएगा कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है चौथ का चाँद होना। जी हाँ, चौथ का चाँद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथे के चंदा वसूल करना, चौथ का चाँद सुंदर होता है, चौथ का चाँद होना। फ्रेंड फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है भाई, जो क्वेश्चन हमने पूछा था। बहुत बढ़िया साथी, आप सभी के जवाब सही हैं भाई कि उसका नाम होता है मंगलसूत्र। बहुत बढ़िया राइट आंसर है आप सभी का। यह क्वेश्चन अक्सर मुंशी प्रेमचंद से पूछा जाता है कि इनके अधूरे उपन्यास का नाम तो मंगलसूत्र है। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चौथ का चाँद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चौथ का चंदा होना कहने का मतलब होता है किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए अशुभ होना। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चौथ का चंदा होना का मतलब किसी के लिए अशुभ होना। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की। तेज गर्मी में चलने के कारण वह स्पेस हो गया। सही विकल्प का चुनाव करना है कि क्या हो गया। निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया, अचेतन हो गया। बताइए भैया, तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या निश्चेतन हो गया, निर्जीव हो गया, मृत हो गया, अचेत हो गया। बताइए भैया क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अत्यधिक गर्मी में चलता है, ट्रेवल करता है, तो वह अचेतन की अवस्था में पला जाता है। विकल्प नंबर डी वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। डी वाले साथी लगता है काफ़ी ध्यान से प्रश्नों के आंसर कमेंट कर रहे हैं, जो लोग डी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी साथी मेरा ध्यान से आंसर कमेंट करेगा तो उसके जवाब निश्चित तौर पर सही होंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा। सभी को मेरा प्रणाम, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं फिर से बार बार टाइम से आप लोग जुड़िएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा। आगे बात करेंगे अव्यय के भेद होते हैं। अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अव्यय के भेद पूछे जा रहे हैं 5, 4, 3, 2। जल्दी से फ्रेंड बताइएगा, यह भी क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अव्यय के कितने भेद होते हैं यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे। अव्यय के भेद कितने होते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए आया ना सही आंसर। थोड़ा सा वेट करने पर साथी सही आंसर कमेंट करने लगते हैं। जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनके जवाब गलत हो जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा रुक के आंसर कमेंट करते हैं उनके जवाब निश्चित तौर पर सही होते हैं। भैया आ गया है सही आंसर कि अव्यय के जो भेद होते हैं फ्रेंड होते हैं 4। जी हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, कि वीर रस को। अरे भैया रसराज की संज्ञा किस राज को दी जाती है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रसराज की संज्ञा किस रस को दी जाती है। तो भैया जिस रस का स्थायी भाव रति होता है उसे ही तो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, उसे ही रसराज कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर 2। श्रृंगार रस में कविता लिखने वाले जो कवि का नाम प्रसिद्ध है फ्रेंड वह बिहारी ने ज़्यादातर जो दोहे लिखे थे वह श्रृंगार रस में लिखे थे। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने की स्थिति को दिखाया जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। बड़ा आसान सा है, इसलिए आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। शिशुधन 1 शिशुवैक, गौरधन इंद्र गावेंद्र, सक्षधन मुख सक्षमुख, चतुर्धन कपाल चतुर्कपाल है। बताइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यहाँ पर कौन सा सही संधि का उदाहरण है।
कौर तार तही तंदी विच्छेद का उदाहरण है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा, चल देते हैं। देखिए वृद्धि तंधि का जो आप दिख रहे हैं एग्जाम्पल, वृद्धि तंधि वाला क्वेश्चन यहाँ पर तय है, जो वृद्धि तंधि है तो वृद्धि तंधि किसमें प्रयुक्त हुई है? जी हाँ, विकल्प नंबर ए में, शिशुधन एक्ट, यहाँ पर आपकी वृद्धि तंधि है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिवा बावनी, शिवा बावनी किसकी रचना है फ्रेंड? शिवा बावनी किसकी रचना है? रचना वाले क्लास में लगभग लगभग हम लोगों ने कंप्लीट रचना को जो है पढ़ लिया था, इसलिए जिन साथियों ने मेरे पिछले लेक्चर को अटेंड किया उनके स्वभाव तो 100% सही होंगे कि शिवा बावनी किसकी रचना है, शिवा बावनी किसकी रचना है। ये मैं थोड़ा सा आंसर को इजी करूँ तो एक और इनकी रचना छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक जिसकी रचना छत्रसाल दशक है, बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, भूषण जी। हाँ, भूषण जी की रचना है शिवा बावनी, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उन्मेष में किस उत्तर का प्रयोग हुआ है? उप का, उत का, अपी का या अभी का? तो देखिए भैया अपी न है ना अभी है, अब आपके लिए 50-50 हो गया, आपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा। उन्मेष में किस प्रकार के संधि का प्रयोग हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे, उन्मेष में किस प्रकार का उपसर्ग आपका प्रयुक्त हुआ है? फटाफट आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। उन्मेष फ्रेंड उदधन मेष, उदधन मेष से मिलकर बना है उद्मेष, इसलिए विकल्प नंबर बी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, मार्तंड, वटनी, मीन या वारिद? अरे भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, मछली, मछली जैसे जिन लोगों ने राशि राशि वगैरह जो पढ़ते होंगे उनका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो मछली होता है वह है मीन राशि, मीन राशि वाले का जो चिन्ह होता है वह होता है आपका मछली, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, इसलिए कहते हैं ना जितना हो सके उतना ज्ञान को बटोर लीजिएगा, विकल्प नंबर सी वाले साथियों के जवाब सही है भैया। आगे चलेंगे, निम्नलिखित तो वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के आंसर बिल्कुल सही होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, आंसर कमेंट करना है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, जी हाँ मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, विकल्प नंबर डी की तरफ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ, जितने भी लोग डिफरेंट आंसर कमेंट कर रहे हैं उन सभी के जवाब गलत हैं, सही जवाब है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे कि दिए गए कवि में जो है जो कवि मतलब वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कवि हो, यह फ्रेंड यूपी क्योंकि आपके जो आर ओ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, उस कवि के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? उस कवि को एक शब्द में आशु कवि कहा जाता है, बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। और 16 के लिए भी डी होगा, वह जो तत्काल कविता करने में प्रबल हो कुशल हो उसे हम आशु कवि की संज्ञा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, जातिवाचक संज्ञा कौन सी प्रयुक्त हुई है, आंसर बताएंगे। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा ए, मजदूर तो होगा नहीं, मजदूर व्यक्तिवाचक है, यश भी आपका व्यक्तिवाचक है, सेना आपका समूहवाचक है, शत्रुता यहाँ पर आपका यह आपका जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं भैया? अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पिछले बार इस वीडियो बता चुका हूँ कि प्रत्येक वर्ड का जो आपके जो इतने भी स्पष्ट व्यंजन होते हैं उनका प्रत्येक वर्ड का पांचवा जो अक्षर होता है वह आपका अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल हम फ्रेंड नाक्ते कहते हैं, इसीलिए इन्हें नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो कंठ तालब्य, जी हाँ क्या वर्ड कंठ से, च वर्ग तालब्य से, तो तालब्य आपका जहाँ दिख रहा है वह आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना
और आम, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि देखिए कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए नदी आपकी यहाँ पर अगर होता तो ये आपका क्या होता, जातिवाचक होता, लेकिन यमुना यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह नदी का नाम है, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बह प्लस आव, बह प्लस आव बराबर बहाव, विकल्प नंबर सी वाले साथियों के जवाब सही हो जाएंगे। बह प्लस आव अगर छोड़ देंगे आप आंसर सही कर लेंगे, बहाव इज द राइट आंसर। बहाव में आव प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रत्यय मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है फ्रेंड धातु, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। क्रिया का मूल रूप फ्रेंड धातु कहलाता है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है, जैसे पट धातु होता है, लिट धातु होता है, कृत धातु होता है, तो वैसे ही आपका वह मूल रूप होता है, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, उन्मेख किस प्रकार का तत्व है, तद्भव है, तस्म है, देशज है, आगत है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, उन्मेख आपका तद्भव शब्द है, उन्मेख आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तस्म है फ्रेंड वो उन्मुख है। देव है जो महान, देव जो है महान, देव जो महान है, यहाँ पर देखिए जो देव जो महान है में समाज जो है फ्रेंड वह कर्मधारय है, देव जो महान है वह कर्मधारय समाज, यहाँ पर प्रयुक्त हुआ फ्रेंड, देव जो महान है कर्मधारय समाज इज द राइट आंसर। यहाँ पर कर्मधारय जैसे क्या है, महापुरुष, महान है जो पुरुष अर्थात महापुरुष, तो देव महान मतलब यहाँ पर जो देव महान है उसकी बात हो रही है, तो कर्मधारय समास होता है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे किस बोली में ने उपसर्ग, ने परसर्ग लगाया जाता है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में, यह मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर कमेंट करिएगा, यह मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर कमेंट सेक्शन में टाप छाप दीजिए भैया, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा जल्दी से। ने परसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में, भैया बी वाले साथी के जवाब आ रहे हैं बहुत बढ़िया, बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ताओं ने बोला, एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है यही आपको बताना है, कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है फ्रेंड, फटाक से आंसर कमेंट करके बताइएगा कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। देखिए विज्ञान एक गोष्ठी हुई जिसमें देखिए यह मिश्र वाक्य है, यहाँ पर यह मिश्र वाक्य है, एक परिश्रमी ही नहीं वर ये देखिए आपका मिश्र वाक्य नहीं है, विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। वरन या बात कहते हैं, पश्चात कहते हैं, यह आपका संयुक्त वाक्य है, यह मिश्र वाक्य नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा ही मज़ेदार है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे तैयार होने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखेंगे। पूछा जा रहा है कि काव्य पंक्तियों और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है हमको, इसको कह रहे हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है, तो पंक्तियाँ पहला भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछ, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछ भेदा, हम राज्य के लिए मरते हैं, यह उपमान मैले हो गए हैं, बरतत या बतरस लालच लाल की, सबके लिए दिया गया है आंसर, कमेंट करके बताना है कि कौन सा इनका सही जवाब है, जल्दी जल्दी आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए उसके बाद हम इसका आंसर कमेंट करते हैं, फटाफट बताइएगा। देखिए भक्ति नहीं ज्ञान की, भक्ति नहीं ज्ञान की ना ही कछु भेदा, यह जो लिखा है फ्रेंड यह तुलसीदास जी ने लिखा है, हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं, तो राष्ट्र कवि की शंका दी जाती है मैत्री चरणगुप्त की, तो ये पंक्ति है जो आपकी मैत्री चरणगुप्त की है, विकल्प नंबर ए आपका सी हो गया। ये उपमान मैले हो जाते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, इसको लिखा गया फ्रेंड अज्ञे जी ने, और बतरस लालच लाल की या बिहारी की रचना है, इसका मतलब जो सही जवाब है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसके बाद आप आंसर कमेंट करेंगे। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन,
पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, पंक्ति में कौन सा छंद है। अलंकार की यदि बात करें फ्रेंड, तो यहाँ से अलंकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब्द सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में आपका जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड वह श्लेष अलंकार है, लेकिन यहाँ छंद पूछा जा रहा है। तो छंद के लिए आंसर कमेंट करिएगा, छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब्द सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष भी, हाँ बिल्कुल दोहा छंद है, ये इज द राइट आंसर। आगे, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। जी हाँ, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। जहाँ पर कुछ कोई होता है, जहाँ पर कुछ कोई होता है, वहाँ पर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जी हाँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा यहाँ पर फ्रेंड, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बच्चों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं, बच्चों की संख्या को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यदि कुछ पानी या कुछ दूध होता तो उसके लिए आप अनिश्चित परिमाणवाचक लगाते। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तहसीलदारी, तहसीलदारी, तहसीलदारी या तहसीलदारी, बहुत सही क्वेश्चन है। इसके लिए तो जवाब जल्दी से सही होगा, इसके लिए सभी साथियों के जवाब जल्दी से सही हो जाएंगे। तहसीलदारी, आप सभी लोग यदि कचहरी गए होंगे तो निश्चित तौर पर इस शब्द से आपका परिचय हुआ होगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, ए इज द राइट आंसर, तहसीलदारी यहाँ पर बहुत सही लिखा हुआ है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।